सबसे पहले है बराबर संख्या। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे बराबर संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती हो उसे बराबर संख्या है संख्या कहते हैं। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः यानी इसको हम अनंत तक दे सकते बराबर संख्या। ऐसी संख्या तो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे बराबर संख्या कहते हैं। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः और अनंत ऐसा समझते हैं। हाँ पूर्ण सी है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या तो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती हो उसे पूर्ण संख्या। जैसे जीरो एक दो तीन चार पाँच छ यानी अनंत अनंत का चिन्ह है तो पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे जीरो एक दो तीन चार पाँच छ। अब आपको कोई भी पूछे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, क्या अंतर है भाई? हाँ प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, इसमें जीरो का अंतर है। यानी प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से, ये ध्यान रखना। अब तीसरा है परिमेय। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर नॉट इज इक्वल टू जीरो। जैसे दो बटा पांच तीन बटा दो आदि परिमेय संख्याएं है। अब देखो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा q बराबर नॉट इज इक्वल टू जीरो यानी q यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे p तो है अंश और q है हर, हर भी अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए।
तो जैसे 2/5 ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें अंश 2 है, हर 5 है, अंश भी है और हर भी है, और 3/2 इसमें अंश 3 है और हर 2 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगर सिर्फ 5 लिखे तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? कि q=0 है, q=0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आई समझ में? तो ये तीन संख्याओं की परिभाषा है। चित्र का आपको समझ में आ गया। अच्छा चीज है कि प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, वो होती है पूर्ण संख्या। और परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तथा q≠0। q यानी हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। अतः उदाहरण के तौर पे 2/5, 3/2 आदि ये परिमेय संख्या है, और 5/1 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हर है वो 0 है, इसलिए किसी भी संख्या का हर 0 होते ही वो परिमेय संख्या नहीं होती। आई समझ में?